ठीक है जी, ध्यान रखना। أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد والصلاه والسلام على صاحب السيف ذو الفقار وقائد الغر المعجلين امير المؤمنين مبيد الشرق حازم الاحزاب نقطه الدائره التوحيد علي بن ابي طالب والصلاه والسلام على سيدات النساء العالمين بنت نبي الرحمه الرؤوف الرحيم الكريم والصلاه والسلام على جميع الانبياء والمرسلين وعصياه الرسل والصلاه والسلام على كنادي التوحيد حجج الله الى الخلق طيبين طاهرين المعصومين والصلاه والسلام على منتخب آل الله بقيه الله حجه الله القائم الصاحب الاسر والزمان اما بعد فقد قال الله تعالى سبحانه في سوره الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام الله اكبر الله اكبر يا رسول الله يا رسول الله अली। कैसा खूबसूरत नाम है। सारी किताबों ने लिखा कि अल्लाह का नाम था जो अली को दिया गया, और अली को अली बनाने के बाद खुद अली उल अजीम हो गया। अल्लाह या अली, खुद अली उल अजीम हुआ। रजा बादशाह से पूछा गया, मालिक अल्लाह का अल्लाह से पहले क्या नाम था? का अली। अल तौहीद पढ़ लीजिएगा, शेख सद्दू का ले रहमा की का सरकार ऐसा ही है। मैंने तो अपने से कोई बात भी नहीं की, कर भी नहीं सकता, कोई कर भी नहीं सकता। इसीलिए इस तमहीद के बाद एक जुमला अर्ज करना चाहता हूँ। अली अल्लाह को मानने की नियत का नाम है। समझ रहे हैं? सरकार अल्लाह को मानने की नियत का नाम है। जैसे नियत के बगैर नमाज नहीं हो सकती, वैसे अली के बगैर तौहीद परस्ती भी मुमकिन नहीं। समझ रहे हैं? वो सरकार एक अलग बात है,
अलग बात है सरकार, पता नहीं तौहीद परस्तों को बुत शिकन से बैर क्या है। ये एक तारीख़ अलमिया है कि इंसान क्या सोचे और क्या फैसला करे कि जिसने काबा को बुतों से पाक किया, बुतों से पाक किया, उसी के खिलाफ तौहीद परस्त हो गए और लगे अली के फजाइल को छुपाने, हुकूमतों के खजाने खत्म हो गए, मुफ्तियों के फतवे खत्म हो गए। ये भी ना सोचा कि जिस पे हम फतवे और खजाना लुटा रहे हैं ये अल्लाह का नाम है, इसमें तगैयर नहीं है। समझ रहे हैं कैसी शानों वाला अली। और मैंने आयत शुरू की, हालांकि मौजू कुछ और है, मैं तो अली से मदद मांग रहा हूं क्योंकि वो इतना बुलंद और साहिब मरातब मौजू है कि यकीन जाने उसकी हकीकत को कोई नहीं जानता, ना कोई इल्म ना कोई आलिम। ना इल्म जानता है उस हकीकत को, ना आलिम जानता है। अली सिर्फ आंखों से ऐनुल्ला नहीं है। अगर हम ये मान लेंगे तो हम मुशरिक हो जाएंगे, हम काफिर हो जाएंगे, फिर तो अल्लाह का वजूद बन जाएगा ना कि सिर्फ आंखें अली की आंखें ऐनुल्ला हैं। नहीं नहीं, अली सर से पैर तक ऐनुल्ला है। समझ रहे हैं ना, हैदरी या अली, अली सर से पैर तक यदुल्ला है, अली सर से पैर तक वजहुल्ला है, अली सर से पैर तक लिसानुल्ला है। ये याद रखिएगा, ना अल्लाह की जबान है ना आंखें हैं, अली का पूरा वजूद ही ऐनुल्ला है, पूरा वजूद ही यदुल्ला है, पूरा वजूद ही लिसानुल्ला है। अब मौजू से मुत्तसिल होने से पहले जो मैंने आयत करीमा पढ़ी वो बड़ी वाज़े है। अल्लाह ने सूरा रहमान में किन्हीं दो को फबियजी अलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम दोनों अल्लाह की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे, तुम दोनों इंसान और जिन, कौन कौन सी नेमत। इस तकरार के बाद अल्लाह ने आखिर में फरमाया तबारक इस्म रब्बी का जिल जलाल वल इकराम, ऐ मेरे रसूल तेरे रब का इस्म, तबारक इस्म का तेरे रब का। हर इंसान के जहन की अल्लाह ने कसम नहीं खाई, तबारक इस्म रब्बी का जिल जलाल वल इकराम, ए मेरे महबूब तेरे रब का इस्म। बरकत वाला भी है, करामत वाला भी है, और जलाल वाला भी है, इकराम वाला भी है। रब नहीं, कोई रब का इस्म है। अल्लाह अकबर, रब नहीं तेरे रब का इस्म, यानी तसव्वुर रबूबियत रसूल की बात हो रही है। हाय हाय, हर किसी के तसव्वुर रब की बात नहीं हो रही, तसव्वुर रबूबियत मुस्तफा की बात हो रही है। इसीलिए अली बादशाह ने कहा था कि दुनिया में हर इंसान मुशरिक है, हर इंसान मुशरिक है, जब तक के वो तसव्वुर ज़हने रसूल की रबूबियत पर ईमान न लाए। हम जितने बैठे हैं सबका रब अलग अलग है, मेरी सोच में रब कुछ और है, आपकी सोच में कुछ और है, और जहां हम सोच के थक जाएंगे वहीं से काफिर हो जाएंगे।
हैं, रब को महदूद कर देंगे। तो अली ने कहा कि हर बंदा ही मुशरिक है जब तक वो मुस्तफ़ा के तसव्वुर रबूबियत पर ईमान न लाए, वो तौहीद परस्त नहीं बन सकता। तेरे रब का इस्म इकराम वाला भी है, जलाल वाला भी है, जुल जलाल वल इकराम भी है। तेरे रब का इस्म, तेरे रब का इस्म जल्लल जलाल भी है, तेरे रब का इस्म। तो अब जो उंगलियां सीधे करके बाजमात नजफ की तरफ देख के पढ़ते हो अस्सलाम अलैका या इस्मिल्लाहिर रजी, अल्लाहु अकबर, ए अल्लाह के पसंदीदा इस्म तुम पर हमारा सलाम हो। ए अल्लाह के पसंदीदा नाम, यहां तो आपने अली को पसंदीदा नाम करार दे दिया और कहीं जाके कहा बातिल है। क्या करते हैं हजूर, कहीं तो सलाम पढ़ा जा रहा है अस्सलाम अलैका या इस्मिल्लाहिर रजी, और कहीं वही अल्लाह का पसंदीदा नाम बातिल हो जाता है। पता नहीं ये वजाहत आप तक होगी, मैं तो इसमें वैसे भी नहीं पढ़ता। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि अगर आपने अली को इस्मिल्लाह कहा है तो अब कड़ियों से कड़ियां जोड़ते चले जाइए। अली सर से पैर तक ऐनुल्लाह है, अल्लाह की आंख कहलाता है। अली ने बीसियों खुतबों में कहा कि हम ही वो मखलूक पर अल्लाह की आंख है जिससे अल्लाह सब कुछ देखता है, हम ही वो ऐनुल्लाह है। तो पता चला अली ऐनुल्लाह भी है, इस्मिल्लाह भी है, वली भी है, उलिल अम्र भी है, रसूल का वसी और भाई भी है, जौजे बतूल भी है। इतने दर्जे रखने के बाद अगर आंख उसकी ठीक होती है तो वो लुआबे रसूल से मैंने तो तारीख इस्लाम का वाक्या पढ़ा है, मैंने तो तारीख पढ़ी है जी। मैं मानूं या ना मानूं वो तो मेरा जाती मफरूजा है ना, लेकिन तारीख ने तो यही कहा। कहां है अली, सरकार उनके चश्मे मुबारक में आशुब है। कहा अच्छा अली को ले आओ और लाके अपना लुआब आंखों से। ये मिल्लत इस्लामिया का कहना है कि आंखों पे लुआब मस किया, अली की आंखें यकदम ठीक हो गई और बिल्कुल मरहब की गर्दन साफ नजर आने लगी। तो जिस लुआब की इतनी बरकत हो, क्या कहना इस रसूल के लुआब का जिसमें कुरान के एक एक हर्फ ने गुसल किया हो। क्या कहना जी, एक एक हर्फ ने, हर्फ ने, हर्फ ने, आयत नहीं, हर्फ ने, हर्फ ने इस लुआब मुबारका में गुस्ल किया। कमाल लुआब है, कमाल लुआब है कि आसमानों में जब खुदा से मिलने गए तो एक सेब पेश किया गया कि ये नूर सैयदा है, तमसीलन इसे नोश फरमाइए, यानी मोहम्मद का लुआब ऐसा जो नूरे बतूल के साथ शामिल हुआ। समझ रहे हैं ना, अभी तो बहुत सतही बातें कर रहा हूं ताकि मौजू दिया गया लुआब रसूल। चाह सुनना के भाई लुआब रसूल पे क्या बात हुई। तो मैंने कहा ये इतना बुलंद मौजू है कि इसे छुआ भी नहीं जा सकता, क्योंकि अल्लाह की हर हुज्जत
का वजूद इसी लुआब से बना है, वो मिट्टी से खल्क नहीं हुई, वो लुआब रसूल से खल्क हुई। जरा ये तो बताइए, खानदान है कायनात में सिर्फ एक जो बनी हाशिम कहलाता है, अपने हर बच्चे को वो अपनी जबान क्यों चुसाता है? रसूल ने अपने सारे बच्चों को अली समेत, अली समेत, अली बादशाह से पूछा गया रसूल की कुनियत अबुल कासिम क्यों है, कहा वो उनके किसी बेटे की वजह से तो नहीं है, वो मुझ अली की वजह से है। क्या मैं कसीमुल नारे वल जन्ना हूं, इसीलिए वो रसूल मेरे बाबा कहलाते हैं। मेरे बाबा कहलाते हैं। वो तो कभी आप अली का जाहिरन बचपना और रसूल की परवरिश इसे कभी मिलाकर समझने की कोशिश कीजिए। क्यों लिखा सब तारीखों ने कि रसूल कंधों पे अली को बिठाकर वादियों में और पहाड़ों में घूमा करते थे, अली से बातें किया करते थे, अली सर के ऊपर अपना रुखसारा रख लिया करते थे, कभी अपनी बाहें गले में हमायल कर लिया करते थे। अली फरमाते मैं गले में बाहें हमायल करके रसूल की जबान चूसा करता था। लेकिन ऐसा क्यों है? ये तो फजीलत हो गई कि लिसान रसूल चूस ली गई, है ऐसा क्यों, है ऐसा क्यों? कुरान कहां नाजिल हुआ, इंतजार नहीं करवाऊंगा तुम्हें, मुझे बहुत सारी बातें करनी। कुरान नाजिल कहां हुआ जनाब? कलवे रसूल पे, वासुबान, और तो कहीं नाजिल नहीं हुआ ना, बाकी तो रसूल से सुना ना सबने, सुनना और है और नाजिल होना और है। नाजिल कहां हुआ? कल्बे रसूल अला कल्बे का, कुरान ने कहा आपके कल्ब पर हमने कुरान उतारा, कल्ब पर। अच्छा, कुरान नहीं कहा कि इस जिक्र को हमने उतारा है और हम ही इसके हाफिज हैं, हम ही इसके मुहाफिज हैं, हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। कुरान उतरा है रसूल पर और कहा नानो, हम ही, मैं नहीं। तो आप सुन के कुरान हिफ्ज करना और मंजिल है, कालब से चूस लेना और बात है। अल्लाह अकबर, समझ गए? आए धारी या आईली, समझ रहे ना सरकार हजूर, मयार को समझ रहे हैं ना जी? अब हिफाजत वही करेगा जिक्र की जिस पर बयाने ही उतरा हो, जैसा कि वो कल्बे रसूल में महफूज था। आपने तो सुन के हिफ्ज किया और लिख दिया ये मक्की है ये मदनी है, फिर कहा कुछ मदनी भी हैं कुछ मक्की भी हैं, कहा कुछ तकरार भी है, तो कहीं को उठा के कहीं और कहीं को उठाकर कहीं रख देने से हिफाजत थोड़ी हुई, हिफाजत नहीं हुई। मैंने तो बहुत सारे कुरान जलते भी देखे, तारीख ने कहा मस्जिद नबवी में जले। जब मुसफ़े उस्मानी आया, हजरत उस्मान ने तारीखी हकीकत जब कुरान इकट्ठा किया तो उन्होंने सारे कुरानों को आग लगा दी, तो एक मुसफ ताकि उम्मत मुत्तहिद रह सके, तो हिफाजत क्या हुई? यानी तीसरे खलीफा तो राशिद के जमाने में कुरान पर उम्मत मुत्तफिक न थी, इन्हें इकट्ठा करने के लिए उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, कुरान को एक कर दिया। लेकिन ये भी तो बताओ, जब अली जुल्फकार के साथ बांध के तलवार के साथ कुरान लाए थे तो कहा गया था जरूरत नहीं, हम सबके पास है। लेकिन ये तो जरा बताओ,
کہ علی ذوالفقار کے ساتھ قرآن کی تختی باندھ کے کیوں لائے؟ علی بتلانا چاہ رہے تھے سب کچھ کرو تحریف نہ کرنا. سمجھ رہے ہیں؟ ورنہ ذوالفقار کے ساتھ قرآن کی تختی بندھی ہوئی نہ ہوتی. تاریخی حقائق ہیں. لیکن ایک منزل اور بڑھ جائیے. اسی لعاب کو سیدہ نے بھی خوراک بنایا, اسی لعاب کو مجتبہ نے بھی چوسا, اسی لعاب کو حسین بادشاہ نے بھی چوسا, اور چوسنے کے ساتھ ہی رسول کہنے لگے کلونا محمد. لعاب کی برکتیں دیکھ رہے ہیں؟ لعاب کی برکتیں, رسول کے لعاب کی برکتیں. تو اتنا اگر سمجھ لیا ہے اور میری گزارش پہنچ چکی ہوگی تو سرکار ذرا آئیے, یہ رسول کا لعاب ہوتا کیا ہے کہ اگر یہ اثر دکھائے تو کوئی علی بن جاتا ہے, اثر دکھائے تو کوئی سیدہ ہے, اثر دکھائے تو کوئی حسن ہے, اثر دکھائے تو کوئی حسین ہے. بھئی رسول نے انگلی کیوں نہیں دے دی کہ بچے انگلی چوس لیں؟ ہم سب دیتے, گھٹی بھی ایسی دیتے, بچے بھی انگوٹا چوستے سنت ابراہیمی پہ. تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ جو انگلی کیوں نہیں دی, زبان کیوں چسائی؟ وہ تخیلاتی اور شاعری میں اچھے جملے لگتے ہیں کہ علی کو رسول نے زبان دے دی, تو علی نے تو پھر اپنے نواسوں کو بھی زبان دی ہے. یہ تخیلاتی باتیں ہیں, باعث عزت و کرم و شرافت ہیں. اس سے ایمان بڑھتا ہے, لطف آتا ہے. ضرور جاری رکھیے, انہیں بالکل تنقید کا نشانہ نہیں بنا رہا, لیکن صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ انگلی کیوں نہیں چسائی, زبان کیوں نہیں دی, اور حسین کے لیے بی بی کو منع کیوں کیا کہ میں ایک مہینہ بھی نہ آؤں تم نے حسین کو دودھ نہیں دینا. کافی پڑھ لیجئے, قطرۃ من بہار پڑھ لیجئے, سب کتابیں موجود ہیں حسین پہ جتنی ہیں پڑھ لیجئے, سب میں لکھا. رسول نے منع فرمایا, بہار الانوار پڑھ لیجئے گا حصہ حسین کا جو ہے اس میں پڑھ لیجئے کہ منع نہیں فرمایا. اے میری بیٹی, میں جتنی بھی دور چلا جاؤں جب میں واپس آؤں گا میں ہی حسین کو اپنی زبان چساؤں گا, اس کے علاوہ کوئی خوراک. اور تاریخ کی انہی کتابوں میں لکھا کہ رسول ایک دفعہ ایک ماہ نہیں آئے اور حسین کو بی بی نے کچھ خوراک نہیں دی. جو ایسا لعاب ہو کہ حسین کو زندہ رکھتا ہو, حضور اندازہ کیجئے. میں تو ابھی لعاب کی حقیقت میں کیا جانوں, میری کیا مجال ہے, لیکن زندگی ہے کلونا محمد کی یہ لعاب. حسین اب کیا چھوٹا ہوگا کیا بڑا, کیا کہوں. حسین کا بچپنا پڑھنا بھی ایک بچپنا ہے کہ بچپنا پڑھ دیا جائے, کمال ہے. کیسے پڑھا جائے کہ حسین بچپن میں ایسے تھے ایسے تھے؟ نہیں بھائی, مشکل ہو جائے گا. حسین جب سورہ کوثر جتنے تھے نا, اب پتہ نہیں سورہ کوثر کتنی بڑی ہے کتنی بلند ہے. تو حسین جب سورہ کوثر جتنے تھے نا تب بھی نانا کی زبان چوسا کرتے تھے. ہاں تو یہ تو آپ سب کو علم ہے کہ زبان چوس. میں تو اس کے لطیف حصے بیان کرنا چاہ رہا ہوں. علی کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں,
अली का बदन बना। तो अब लुआब रसूल को सिर्फ लुआब लुआब कह के नहीं जाना जा सकता, अब तुम्हें अली जानना पड़ेगा कि लुआब रसूल अली को अली जाहिर कैसे करता है। वरना ये पर्दे इंसान से उठ ना सकते, ये रहमत लिल आलमीन की जबान है, कमाल नहीं हो रहमत लिल आलमीन और अली जैसा तलवार चलाने वाला कोई ना हो। जिद्दैन है ना, रहमत और कत्ल जिद्दैन है, लेकिन अली रहमत लिल आलमीन का लुआ पी के। लेकिन आपने कभी सोचा कि अली को, चले जो गजवात पढ़ते अली की, वरना सरकारे बाकर ने फरमाया था कि हम अपने बच्चों को कुरान की तरह अली की जंगे पढ़ाते हैं और जुल्फकार को यह एजाज हासिल है कि उसने हर मासूम के झूले में उसके साथ मस होके लोरियों में गजवे सुनाए हैं। समझ रहे हैं ना, हाँ, इनके हकायक को जानने की कोशिश कीजिए। तारीख ने, अली ने हजारों इंसानों के सर उड़ा दिए। मैं लुआब रसूल पे ना जुशीली तकरीर नहीं करना चाहता, बिल्कुल भी नहीं, मैं इसे खुद भी समझना चाहता। बड़े अरसे के बाद किसी ने मौजू दिया, बड़े अरसे के बाद मैं खुद भी आपके साथ इसे जानने की कोशिश करना चाहता हूं। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको सुनाना है, जो मुझे कोई इल्मी धाक नहीं, मैं खुद भी इसके इस तारे, क्योंकि तन्हाई में किताब पढ़ना और है और मिंबर से इमाम से मांगना और है। हैदरी, समझ रहे हैं ना। लुआब रसूल की हकीकत मैं नहीं जानता, माफ कर दीजिएगा, लेकिन इसकी मानवीयत को जानने की कोशिश कीजिए। गो बच्चों ने सख्त मौजू रख दिया, ये तो था कि बड़ा अच्छा वक्त शुरू शुरू का होता, लोग जाग रहे होते और मैं लुआबे रसूल पे बात करता और फिर दो चार दिन हम करते रहते तो समझ में आती कि लुआबे रसूल आखिर मानवीयत में क्या है। तो वजूद अली समझना पड़ेगा, क्योंकि लुआब का पहला शाहकार जो है वो वजूद अली है, यानी लुआब रसूल से ऐसा वजूद तैयार होता है कि अल्लाह उसे अपना नाम दे देता है। समझ लेना हुजूर, इस वजूद की, और उस लुआब से तैयार हुआ हुआ वजूद फिर जो करता चला जाए वो सलाम के लायक हो जाता है। तारीख ने बतलाया ना कि अली ने कितने इंसानों के सर धड़ों से अलग किए, हजारों अली ने जंगों में कितने धड़ों से सर उतार दिए, जुल्फकार से कितने जिन कत्ल कर दिए। तारीख को आज तक ये कहने की जुर्रत न हुई कि अली कातिल है। सरकार कभी गौर फरमाया आपने कि तारीख ने अली, सैकड़ों इंसानों को कत्ल करने वाला अली, तारीख के मुतअस्सब तरीन मुअर्रख ने भी, अच्छा काफरों ने भी, मुशरिकों ने भी, दहरियों ने भी, फलसफियों ने भी, किसी ने अली को कातिल नहीं कहा, बल्कि हर किसी ने अली के अदल की अजमतों के गीत गाए। लेकिन एक शख्स उठा लाइन, उसने मस्जिद में तलवार चलाई, अली के सर को जख्मी किया, आज तक उस शख्स को कातिल कहा जा रहा है और लानत डाली जा रही है। कमाल नहीं, जिसने एक कत्ल किया उस पे आज तक लानत, जिसने सैकड़ों किए तारीख उसे अलैह सलाम कह के। ऐसा क्यों है?
لعاب رسول کو سمجھیے کہ جب کوئی وجود لعاب محمد سے تیار ہوتا ہے تو وہ اللہ کی مخلوق پہ دست ترس رکھتا ہے، جس کی روح چاہے کھینچ لے، جس کی چاہے ڈال دے. سرکار لعاب رسول کے کرشمے، کہ اس لعاب کی عظمت کتنی ہے، اس لعاب کی عظمت کیا ہے، عظمت کیا ہے، اس لعاب کی اتنی عظمت ہے کہ اگر یہ چادر کے نیچے وجود آ جائیں تو اللہ تعارف کراتے ہوئے کہتا ہے ہم فاطمہ. اچھا میں یہاں رک گیا ہوں، میرا دل چاہ کہ میں آپ کو ایک دل کا راز سناؤں. پتہ نہیں کیوں کر پڑا، یہاں ورنہ ایسی باتیں میں کرتا نہیں، مجھے تھک چکا ہوں میں بہت، نا یہ نہیں کہ آپ کی مجلس میں، ویسے ہی تھک چکا ہوں. جب قدردان نہ ہو، جب علی مولا نہ سمجھا جائے، وہاں کیا گفتگو کرنی، رہنے ہی دیا جائے. لیکن پھر بھی جرت کر کے، ہمت کر کے، سارے تمغے وصول کرنے کے بعد جو علی کی محبت میں ہر کسی کو ملتے آئے ہیں، حضور سے لے کے مجھ تک، تو جرت کرتے ہوئے حبیب ابن مظاہر اور سرکار زہیر ابن کین نے پوچھا، مولا واقع حسین بادشاہ کیا ہم مومن نہیں؟ امام نے مسکرا کے کہا تم میرے دوست ہو. بس دل کی بات ہے، آف دی ریکارڈ سمجھیے گا، لیکن سمجھ لیجیے گا. کہا ہم مومن نہیں ہیں، حسین نے جواباً یہ نہیں کہا مومن ہو یا نہیں، کہ تم دونوں تو میرے دوست ہو. سر جھکایا، خوش ہوئے اور کہنے لگے سرکار پھر کچھ سوال کریں، دوست کی حیثیت سے کچھ سوال کریں. حسین نے بڑی بے نیازی سے نظر اٹھائی، کہا ہاں پوچھو، جہاں امت نے اتنا کچھ پوچھا دوست بھی پوچھ لیں. کہا سخی یہ جو اسم ہے آپ کی والدہ کا، ام ابیہا، مالک اس کا یہی معنی ہے باپ کی ماں. حسین اٹھے اور بیٹھ گیا. کہا تم دونوں کو کس نے کہا کہ یہ میری ماں کا نام ہے؟ کس نے کہا کہ یہ ام ابیہا میری والدہ کا نام ہے؟ نہیں، رسول نے ضرور کہا ام ابیہا، لیکن اس کا معنی باپ کی ماں کا جو تم تصور لے رہے ہو وہ نہیں ہے. آقا پھر کیا ہے ام ابیہا کا راز؟ فرمایا یہ ام ابیہا کہ تم اپنے باپ کی بھی ماں ہو، یہ نام نہیں ہے میری ماں کا، بلکہ رسول کی حسرت ہے. رسول کہنا یہ چاہ رہے ہیں کاش میں حسین ہوتا. یہ عشق نہیں ہے، یہ نبی کی حسرت ہے، حضور نے اپنی حسرت بیان کی ہے. ام ابیہا، تو اپنے باپ کی بھی ماں ہے.
یعنی حسرت بیان ہوئی ہے کہ کاش میں حسین ہوتا، سمجھ رہے ہیں نا؟ اور وہ کاش میں حسین ہوتا جو رسول کی حسرت ہے، یہ حسین بنا کس سے ہے؟ لعاب محمد سے، سمجھ رہے ہیں؟ اب لعاب محمد کے کچھ اسرار ہیں، لیکن اس سے پہلے مجھے ظاہری محمد کے کچھ اوصاف بیان کرنے ہیں، بشرطے کہ ڈریے گا نہیں، ٹھرکار۔ بخاری و مسلم کی روایت لے رہا ہوں، بخاری شریف میں مناقب علی ہیں، ہر مسئلے پہ ڈھیروں حدیثیں ہیں، مناقب علی پہ صرف تین ہیں، لیکن باب قائم کیا بخاری صاحب نے رحمت اللہ، انہوں نے باب قائم کیا مناقب علی، اور اس میں ایک روایت لکھی، اور عجب روایت، رسول مسجد میں داخل ہوئے، اور داخل ہو کے رسول نے یوں آنکھوں پہ ہاتھ رکھا اور کہا وہ جو کونے میں بیٹھا ہے نا، یہ خیر البریہ ہے، تمام مخلوق کا خیر ہے۔ چھوٹی سی مسجد نبی، لوگوں نے پھر بھی پوچھا کہاں یا رسول اللہ، کون سے کونے میں یا رسول اللہ، پھر رسول نے انگشت مبارک کی، وہ جو کونے میں بیٹھا ہے جو میری نالین سی رہا ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا حضور؟ میں نے کہا تھا ڈرنا نہیں، خوف زدہ نہیں ہونا، عقیدت عقیدے کی انگلی تھامے تو بندہ مسلمان ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ عقیدت بھاگتی چلی جائے، عقیدہ پیچھے رہ جائے تو وہ ممکن نہیں۔ یہ حدیث ملت اسلامیہ کی امانت کا، وہ جو بیٹھا ہے جو میری نالین سی رہا ہے، یہ جو نالین کا سینہ ہے نا، اب ذرا وہ منظر لاؤ، اے میرے رسول تم میرے عرش کو اپنے قدم نہیں چومنے دے رہے کہ وہ تیری نالین کو چوم لے، کیوں نالین اتارتے ہو؟ یاد نہیں یہ علی نے سی تھی؟ کچھ راز کھل رہے ہیں نا، کوئی ہدیہ ہو رہا ہے، مرزے کو کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے جو مرضی کہتے رہو، لیکن سمجھو تو صحیح، سنو تو صحیح۔ کمال نہیں، نالین جس نے رسول کے صرف قدم چھوئے ہیں وہ عرش سے بلند ہو گئی، کمال نہیں، کمال نہیں۔ اچھا سنو، جبریل نے جھک کے کہا یا رسول اللہ یہ جو خط ہے نا، یہ اس کے آگے مخلوق کبھی نہیں گئی، نہ نبی مرسل، نہ کوئی ملک عظیم، نہ کوئی ولی، اس حد سے آگے کوئی نہیں گئی، میں جاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے، لیکن اس سے پہلے کیا کہا، اس خط کے آگے مخلوق کبھی نہیں گئی، آپ جائیں۔ مخلوق کبھی نہیں گئی لیکن رسول آپ جائیے، رسول نالین سمیت وہاں چلے گئے جہاں مخلوق نہیں جا سکتی۔ تو یہ تو ظاہری ایک حصہ ہے نا نالین کا، وہ اتنا مقدس ہے کہ عرش سے ہو آئے، اور جس نے زبان چوسی ہو اور اس کا وجود لعاب رسول سے بنا ہو، وہ کیا ہوگا، وہ کیا ہوگا؟ کنواں کڑوا ہو گیا۔ میں تو تاریخ اسلام کو لے کے بچوں کی طرح چل رہا ہوں تاکہ تمہیں ریفریش ہو جائے، وہ جو چھوٹی جماعتوں میں ہم سب نے پڑھا تھا، کنواں زہریلا، وہ اب کنویں میں اتنا سا پانی تھوڑی ہے،
नीचे एक चश्मा बह रहा है, पानी चल रहा है, पानी खड़ा थोड़ी है, कुएं का पानी चल रहा है, जमीन के अंदर चश्मा है जो चल रहा है। कड़वे पानी में रसूल ने लुआब दाखिल किया, जमीन की कैफियत बदल गई, वो पानी मीठा हो गया, ना जाने उसका माखिज कहां था। हाय हाय, ये तो वो जाहिरी फजाइल है ना, और पता नहीं कितने होंगे हजूर ने क्या क्या किया होगा। लेकिन अली ने इस लुआब रसूल की एक बड़ी शानदार तारीफ की है। अली ने कूफा में बैठ के अपनी पसलियों को यूं बजाया और कहा, तुम क्या समझते हो अली के बदन में कोई गोश्त और खून है? नहीं, इल्म का समंदर है जो ठाठे मार रहा है। और यकीन करो, यकीन करो, ये सिर्फ लुआब रसूल है। ये फकत लुआब रसूल है, फकत लुआब रसूल है जो बोल रहा है। अगर लुआब रसूल अली के अंदर बोल रहा है तो पता नहीं फिर अली खुद क्या है। समझ रहे हैं ना, हमने कभी मोहम्मद वाले मोहम्मद के इल्म को समझने की कोशिश नहीं की। दो चीजों से हमने मोहम्मद वाले मोहम्मद को समझा है, एक कर्जे कितने भरते थे, रोटी कितनी खवांदे हैं, इसके अलावा मैंने क्या समझा। कर्जा था, आए सोना बना दिया जी, पत्थरों को जवाहरात बना दिए और इसी पे राजी रहे, क्या बात है, कर्जे अदा कर देते थे। और दूसरा, सवालों के जवाबों पे समझा, और जो इल्लत कायनात हो उन्हें नहीं पता कि ये क्या है जिसकी वजह से कायनात बनी है। तो हमने दो चीजों से समझा, लेकिन हमने कभी मोहम्मद वाले मोहम्मद को वजूदी मानवियत में नहीं समझा, और यही हमारी तकलीफ है और यही हमारा दर्द है। खुदा की कसम, अगर आज अली का इनकार है तो यकीन जानिए ये मोहम्मद से जलन है। अगर मोहम्मद का कहा मान लिया होता, मन कुन तो मौला हो फहाजा अली उन मौला, तो तेरे मसले आज की कायनात के हल हो चुके होते। अजब नहीं, अली से पूछते रहे ये जमीन कैसे बिछी है, अली ने बतला दिया ये आसमान की ये कहकशाएं क्या है, अली ने बतला दी। रात कैसे होती है, दिन कैसे होता है, अली ने बतला दिया। हद तक पूछा बच्चे कौन देता है, अंडे कौन देता है, अली ने बतला दिया। कहा मेरी ये पगड़ी के पेच कितने, अली ने बतला दिया। मेरी रीश के बाल कितने, अली ने बतला दिए। मैं रात को खाऊंगा क्या, अली ने बतला दिए। अरे उम्मत मोहम्मद मुस्तफा, अरे उम्मत वुस्ता, तुमने अली से इतने मुश्किल मुश्किल सवाल पूछे, एक आधे सेकंड का सवाल भी पूछ लिया होता, अरे अली हमें ये बताइए कि रसूल हाथ छोड़ के नमाज पढ़ते थे कि बांध के। तो लुआब रसूल को समझने के लिए वजूद रसूल समझना पड़ेगा कि ये लुआब खालक कहां होता है। तो यूं पहला एक कदम ले लीजिए, चलिए आगे खुद भी रिसर्च कीजिएगा, पहला कदम सिर्फ इतना ले लीजिए, कमाल है, ये लुआब जबान की उस हरकत से बना है जिस जबान ने कहा था ला इलाहा इल्लल्लाह, जिसकी जबान की हरकतों से कुरान। आपका क्या ख्याल है, कुरान इसी तरह उतरा है रसूल के दिल पे, ये जैसे अब ताज कंपनी का छपा हुआ है, ऐसे तो फिर तो आप बड़ी गलती में, फिर तो किताबी शक्ल हो जाती, फिर किताब नाजिल होती, वही नाजिल ना होती, फिर कलाम ना होता, किताब होता।
तो रसूल के कल पे छपी छपाई किताब तो नहीं आ गई? हजूर से पूछा गया, कहा तजल्लियों के साथ कड़कती हुई बिजलियों की तरह कुरान उतरता है। और अगर माफ कीजिएगा, कुरान अगर जिब्रील को पता चल गया है तो फिर माफ कीजिए, मोहम्मद से पहले जिब्रील पे उतर गया है। भाई बोलिए तो सही। ये गौहर का कसूर है जिसने ये सब, और ये बेटे का जिन्होंने ये लुआबे रसूल रखा। वो भाई लुआबे रसूल के लिए फिर मुझे 4-5 दिन दो ना, ताकि वजूद रसूल की कैफियत को समझें कि वजूद रसूल यानी कितना अहम नुक्ता है, कि आखिर लुआबे रसूल बनता कहां है, जिसके असर का नाम अली और हसन और हुसैन है। हम मिलके उस मुअस्सिर को तो ढूंढें कि आखिर ये वजूद मोहम्मद की आखिर करामत क्या है कि जो उसका लुआब होता है। और ये लुआब हर किसी को मिला भी तो नहीं, जिसके लबों की हरकत तौहीद कहलाती हो कि अल्लाह एक है, उसे कैसे समझेंगे हम? लेकिन फिर भी मैंने तो अपना इकरार कर लिया कि भाई मेरे पास इतनी मारिफत नहीं है कि मैं लुआब रसूल को समझूं। मैं तो डर गया कि मेरी इतनी हिम्मत कि रसूल के दहने मुबारक के अंदर की कैफियत बयान करूं, जिसने कहा था मेरा नफ्स अली है, हाय हाय, मैं क्या कैफियत सरकार बयान करूं हजूर अकरम की। तारीफ तो आज तक रसूल की हो ना सकी, गुलाब की तरह गाल हैं तो गुलाब उसके सदके में बने हैं, क्या क्या तारीफ की जाए। लेकिन क्योंकि अब आपने मौजू रख ही लिया, मैं तो बिठाए रखूंगा आज, जब तक हम लुआब के लाम तक नहीं पहुंच जाते। ऐसी थोड़ी होता है कि आप कह देंगे और फिर आप सुनेंगे नहीं, नहीं 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 सरकार, नहीं जी, जिंदगी बल्कि ये दुनिया ही ना काफी है, ये मुस्तफा की बात हो रही है, मुस्तफा की। मुस्तफा की जबान का आपको अंदाजा नहीं, जिसके बारे में अली ने गरज कर कहा था अगर मोहम्मद कहते कि मुझे सजदा करो तो अली उसी को सजदा करता। आपको जबान मुस्तफा का अंदाजा नहीं है, जबान मुस्तफा का अंदाजा नहीं है, जिसकी हरकत पे अली कह रहे हैं, जिसकी हरकत पे अली कह रहे हैं वो मुस्तफा। मैं बिल्कुल शान मुस्तफा नहीं बयान कर रहा, क्योंकि अली बादशाह से कहा गया आपने रसूल के सामने शान रिसालत पे कोई खुतबा नहीं दिया, रसूल के जाने के बाद आपने बेहिसाब शान रिसालत पे बात की। तो अली ने कहा कैसे लोग हो तुम कम इलम, तुम्हें समझ नहीं आती मैं अली और रसूल के सामने उनकी शान बयान करता, अली हैबत रसूल से मर ना जाता। आप उस साहिब हैबत के लुआब की बात जानना चाहते हैं है? उस मुअस्सिर को जानना चाहते हैं जिसका असर अली ओ बतूल ओ हसन ओ हुसैन है, उस लुआब के बारे में जानने की जसारत हम क्या करेंगे मेरे भाइयों? बस सिर्फ ये कि अगर खुदा की कसम मैं इस मिंबर पे बैठ के एक घंटा सिर्फ यही कहता रहता ना, लुआबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लुआबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो यकीन जाने अफजलुल इबादा होती। क्योंकि मेरे दिमाग में हुरमत रसूल आ रही थी, हुरमत रसूल आ रही थी, हुसैन बना, हुसैन घर में दाखिल हुए
और क्योंकि दोनों भाई बाहर से आए तो गर्मी की शिद्दत से लोहे महफूज जैसी पेशानियों पर पसीना आया। हुसैन ने उंगली से यूं पसीना किया और यूं करना चाहा। सैयदा ने कहा रुक जा हुसैन। मां क्यों रुक जा, जमीन पर पसीना ना जाने पाए। अभी मैं देख रही हूं फरिश्तों की भगदड़, वो इसे लेना चाहते हैं। हैं लुआबे रसूल का पसीना। मां ये फरिश्ते क्या करेंगे मेरा पसीना लेके। कहा अपने चेहरे को नूरानी करते हैं। हाय 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 लुआबे रसूल का। दो चीजें हुई, एक तो ये मौजू रख दिया गया, दूसरा इसे लाइव चला दिया गया। दोनों जुल्म किए गौर ने। लेकिन ये कमाल है, क्या आप उन मरहूमीन अभी जिनके लिए मैं दुआ भी करवाऊंगा, आपने सोचा नहीं वो कैसे मरहूमीन होंगे जो अपने विरसे में रसूल और आले रसूल का जिक्र छोड़ गए। वो कैसे बच्चे होंगे जिन्हें वरासत में मोहम्मद वाले मोहम्मद का जिक्र मिला। मैं उनके लिए क्या बख्शिश की दुआओं करूंगा जो हमसे पहले अली से मिल चुके हों। अली जो अली बादशाह की जियारत पहले हमसे कर चुके हों, मैं उनके लिए दुआ करूंगा। क्या पिद्दी का शोरबा नहीं, बल्कि हम तवस्सुल के लिए इकट्ठे हुए हैं। क्या ए जाने वाले भाइयों, तुमने अली बादशाह की जियारत कर ली है, जरा हमारी तरफ सिर्फ निगाह ही कर दो। तुमने तो वो हकायक, तो अब यूं जुमला बदल दूं, ए जाने वाली हस्तियों तुम कितने मुकद्दस हो कि तुमने लुआबे रसूल को वजूद में देख लिया। जरा साहा, चलिए एक दफा फिर तारीख इस्लाम की तरफ मुड़ते हैं। क्या तारीख इस्लाम ने यह नहीं रखा कि सरकार जब लुआब निकालना चाहते थे तो सहाबा रिजवानुल्लाह ऐसे टूट पड़ते थे कि लुआब का जरा भी जाया ना हो। तुमने ये तो लिखा, ये क्यों नहीं बताया कि वो इस लुआब का फिर करते क्या थे। हाय हाय हाय, हैं करते क्या थे, ले तो लेते थे हजूर, फिर क्या करते थे। इसकी शरा कभी कीजिएगा कि सहाबा रिजवानुल्लाह के इस फेल का मतलब क्या था। का टूट पड़ते थे, काफरों ने कहा हम रसूल का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, जिसके जान निसार इतने हों, जो उसका लुआब भी जमीन पर नहीं गिरने देते। जरा उनसे पूछना था वो लुआब जो फिर ले लेते थे उसका फिर क्या किया। चले हुस्ने जन है, सहाबा उसे चाट लिया करते थे, इस चाटने से फिर वो अली तो नहीं बन सके। क्या बारीकी सरकार, इस बारीकी को कोशिश थी लुआब से बने हुए वजूदों को तो कहीं और भी लाया गया कि वो भी तो लुआब। तो ठीक है ना, अगर लुआबे रसूल इल्म है, नौ चीजें बताई गई हैं लुआबे रसूल के बारे में। लुआबे रसूल कुरान की हकीकत है, लुआबे रसूल फजाइल की मादन है, लुआबे रसूल अल्लाह के इस्म का मस्क है। शायद मैं आसान कर दूं, लुआबे रसूल ला इला इल्लल्लाह का परफ्यूम है।
اللہ اکبر لعاب رسول کی منزل یہ ہے کہ اللہ کے بارے میں جتنا رسول جانتا ہے اتنا لعاب بھی جانتا ہے. لعاب رسول رازدار رسول بھی ہے. نبی جو بند لبوں کے اندر اللہ کو پکارتا تھا یہ لعاب جانتا تھا. تم کہتے ہو زمین پہ نہیں گرنا, کتنی خصوصیات بیان کر. اب ایک ایک کی شرح کرنے شروع کروں کہ لعاب علم کیسا ہے تو یہی کافی نہیں کہ علی نے کہا میرے وجود میں لعاب رسول بولتا ہے. تو کیا معیار قائم کریں گے سرکار؟ میں تو ابھی تک معذرتیں کرتا کرتا نہیں تھک رہا کہ مجھ بیچارے حقیر بشر کو آپ نے کس راز خدا میں ڈال دیا کہ لعاب رسول پہ بات کی جائے. اسی لعاب کو چوس چوس کے علی بڑا ہوا نا, تو کیا کہا تھا رسول نے علی کو کوئی نہیں جانتا. کہ اس لعاب کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور مجھ محمد کے. کتنی کٹھن منزل ہے حضور, بور تو نہیں ہو گیا آپ؟ یقین جانے میں تو آپ کا ذہن تیار کر رہا ہوں کہ آپ لعاب سن سکیں, اس لعاب کو سن سکیں کہ یہ لعاب کیا ہے. پہلے تو کوشش کرنی چاہیے کہ لعاب کو ہی سمجھ لیں کہ یہ جو لعاب ہے کیا یہ رطوبت کا نام ہے, کہیں ہم غلط تو نہیں سمجھ رہے. غلط تو نہیں سمجھ رہے کہ رطوبت, ہم رطوبت کو لعاب کہہ رہے ہیں, لعاب رسول. میرے اور آپ کی رطوبت تو لعاب ہو سکتی ہے. اچھا یہ قرآن نے ایک لعاب کا ذکر کیا, کہا یہ جو رسول شہد کی مکھی ہے ہم نے اس کے لعاب میں شفا رکھ دی. حضور کے سامنے یہ مکھی پیش ہوئی, آپ نے ہاتھ بڑھایا, شہد کی مکھی ہاتھ پہ بیٹھی, رسول اس سے باتیں کرنے لگے. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ اس سے پوچھئے تو صحیح, یہ آج قابو آ گئی ہے, اس سے پوچھئے تو صحیح اس کا لعاب میٹھا کیسے ہو جاتا ہے. حضور نے مسکرا کے کہا مکھی اپنی زبان میں نہیں ان کی زبان میں بتا. ان کی زبان میں بتا, قرآن کا بتایا ہوا لعاب. میں تبھی تو کہہ رہا ہوں کہ ہم غلطی تو نہیں کر رہے کہ ہم منہ کی رطوبت کو لعاب 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 کہہ رہے ہیں. اتنی باتیں کرنے کے بعد میں آپ کو کھینچ کھانچ کے اس نقطے پہ لایا کہ لعاب کا پہلے مانا تو اب جانچنے کی کوشش کیجئے. مکھی نے کیا کہا, کہا یا رسول اللہ جب میں مختلف رس لے آتی ہوں میں پھر آپ پر اور آپ کی آل پہ درود پڑتی ہوں وہ شہد بن جاتا. جو مکھی کڑوا کسیلا رس لے آئے اور درود پڑھ کے اپنے لعاب کو شہد میں بدل دے جو انسانوں کے لیے شفا ہو جائے, تو پھر رسول کے لعاب کا کیا کہنا. سرکار گزارش پہنچ رہی ہے حضور, پھر لعاب کی کیفیت کا کیا کریں گے. یا تو قرآن نے ایک لعاب کا ذکر کیا ہے کیا وہ رس لاتی ہے اور درود پڑھتی ہے اور وہ شہد میں بدل جاتا ہے. تو اب مجھے بتائیے رطوبت کہوں اسے یا نتیجہ آپ کے پاس کچھ اور آیا ہے؟ نہیں, ہم غلط سوچ رہے ہیں. یہ رطوبت نہیں ہے, یہ اثر رسالت ہے. یہ اثر حقیقت محمدیہ ہے. یہ لعاب وہ رطوبت نہیں ہے. نہ جانے کتنے سوتے رسالت کے پھوٹتے ہیں, سمجھ رہے ہیں نا؟
ये वो नहीं है। सलेमान बैठा है, चलिए आप, आपके लिए आसानी पैदा करें। बहुत थकाया मैंने आपको, किसी ने टांगे लंबी कर ली, किसी ने सो गया, किसी ने कोई मतलब वो वासियां लेने लग गए, ये सब इबादत का हिस्सा है, यकीन जाने, मुझे कोई एतराज नहीं, कोई एतराज नहीं, यकीन जाने कोई एतराज जरा सा भी नहीं है कि आप सो क्यों गए, आपने उबासी क्यों ली, आपने टांगें क्यों लंबी कर दी। जब तक मोमिन इत्मीनान की हालत में नहीं होगा, अली समझ में नहीं आएगा। इसलिए मेरी मजलिस में जहां मैं जिक्र कर रहा हूं, आप आसानी से जो मर्जी करें, सब इबादत में दाखिल है, क्योंकि तुम जिक्र अली में बैठे हो। करवट लो, ऐसे करो, जैसे सुकून हो वैसे करो, उठ के जाओ हाजत के लिए, जरूरी तो नहीं, बीमार भी तो कोई हो सकता है ना, ये कोई जबर है, ये कोई जबर है कि आपको कैद करके रखूं? नहीं नहीं, आप आसानी से सुने, और जितना सुन सकते हैं उतना सुनिए, ना कोई घंटे की कैद है ना दो घंटे की। मैंने तो कहा कि ये उधार हो गया, ये लुआबे रसूल, मुल्तान में मैं जब भी आऊंगा लुआबे रसूल से ही उन्वान पढ़ूंगा, ताकि ये बच्चों की बात तश्ना न रह जाए। यानी जो भी मौजू आप रख लें, लुआब से ही शुरू करूंगा, उस मौजू को लुआब पे ही खत्म करूंगा, क्योंकि लुआबे रसूल के कई इस्म हैं, अली से लेके महदी तक लुआबे रसूल का नाम है, है? हाँ, खून तो ये क्या उसकी शरह करूं जिनके बारे में आया हो सार अल्लाह, हाय हाय हाय, हैं? काश आप इसके माने भी समझते, तो मुझे उस पर कोई एतराज नहीं। सलेमान फारसी को जानते हैं ना, सलेमान फारसी नाम है इसके, बड़े खूबसूरत, बहुत खूबसूरत नाम, बड़े खूबसूरत, एक इसका इसमें पता नहीं कहना चाहिए भी नहीं, हम अभी सलेमान के नामों को नहीं समझ सके, अली को क्या समझेंगे। एक इनका नाम है ओफारे अमर, ओफारे अमर, अलिफ वाव फे अलिफ फा और रे, और आगे अलिफ मीम रे, ये सलेमान का नाम है। ओफारे अमर, बस पांच मिनट मुझे दे दीजिए, मैं समेटने लगा हूं। ओफारे अमर, बस यहीं तक लाना था, सलेमान लुआब को क्या समझता है। ओफारे अमर, ये अली ने कहा था, अरे ओफारे अमर मेरे करीब आ, साथियों ने पूछा मालिक, ये आज नया नाम है सलेमान का, कहा ये जमीन वाला नहीं है, आसमान वाला है। आसमानी नाम है मालिक, इसका माना क्या है? कि सुनो, ओफारे अमर का माना यह है कि हम मोहम्मद वाले मोहम्मद ने अल्लाह से कह कह कर सलेमान को अपनी मर्जी का बनवाया है। जैसा मोहम्मद वाले मोहम्मद ने चाहा कि हमारा सलेमान बने, अल्लाह ने हमें इज्जत बख्शी। कमाल है तखलीके सलेमान, इज्जत अहले बैत है। हाय हाय, कैसा फर्द होगा वो बैठा। और बस इसी से मैं मसाइब की तरफ बढ़ जाऊं और तुम्हें ज्यादा आप जहमत ना दूं, क्योंकि इतना ही काफी है, याद रह गया तो बड़ी बात है। सलेमान बैठे हैं और हुसैन और हसन आए, रसूल ने पहले एक के दहन मुबारक में जबान दी, फिर दूसरे के दी, अल्लाह सलेमान देखते रहे, सलेमान देखते रहे, रसूल ने मुस्कुरा के कहा सलेमान भाई, क्या देख के मुस्कुरा रहे हो? कहा सखी, तेरी दी हुए इरफान और मारफत से मैं इतना तो जान चुका हूं, अगर इसका सिर्फ एक जर्रा जो हुसैन के लबों पे नमी की शक्ल में रह गया है, अगर ये सलेमान को नसीब हो जाए, मैं जमीन को उसके मरकज से उठा लूं। हाय 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 हाय,
समझ रहे हैं ना, जरा सी नमी, जरा सी नमी मैं उठा लूं जमीन को उसके मरकज से। रसूल ने मुस्कुरा के फरमाया फकत इतना ही, फकत इतना ही मेरे करीब आ सलेमान, अगर ये नमी तुझे नसीब हो जाए और तू इसमें अली पढ़ दे तो मुट्ठी में आसमान बइज़्निल्लाह ले ले। समझ, यानी तुम्हारी इल्म की मार्फतें इतनी बढ़ जाए बइज़्निल्लाह, ताकि याद रहे कि मैंने कहा था बइज़्निल्लाह, ठीक है ना। वो कमले हो रसूल मुझे, मैं इस्माया अमीर अल-मोमिनीन मुकद्दस तरीन किताब है ज़ैनतुर रसूल की, जरा पढ़ के तो देखो उन्होंने क्या लिखा है। कब मस्जिद में दाखिल होने लगे अली और रसूल ने मुस्कुरा के कहा ए इज़्न अल्लाह जल्दी आ। अली से बचने के लिए लफ्ज इज़्न अल्लाह इस्तेमाल हुआ, लेकिन वो भी नाम अली का ही निकला। अली ने कहा था हम मोहम्मद वाले मोहम्मद ही कुर्बतन लिल्लाह हैं, कोई अमल। फिर अली से रसूल ने कहा अली कुरान में अल्लाह ने सवाब तेरा नाम रखा है। यही मुसलमान चले थे ना, तो मिल जहां भी गए अली मिला। लेकिन उम्मत जिसने कलमा पढ़ा, ये भी तो असर था ना लुआबे रसूल का कि तुम तक नरमी से पहुंचा, ला इलाहा इल्लल्लाह नरमी से पहुंचा रसूल के लुआब की बरकत से। लेकिन तुमने फिर इस लुआब का क्या किया? और रसूल के लुआब के मसाइब सुनाऊं तुम्हें, लेकिन उससे पहले उन मोमनों को याद कर ले जिन्होंने, अब जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद में क्या फातिहा पढ़ाऊं। बुलंदी दरगाह शेख हाजी मोहम्मद अशरफ साहब उस खानवादे और तमाम मोमिन मोमिनात जो हम जिक्र अली कर रहे हैं, मोहम्मद वाले मोहम्मद का जिक्र कर रहे हैं, इसी में कुरान सारा बंद है, ठीक है ना। तो क्या किया लुआब के साथ? लुआब रसूल दरवाजे पे खड़ी थी, तुम मोहम्मद पे चिपट पड़ते थे ना कि लुआब नीचे ना गिरे, आओ वजूद लुआब जमीन पे गिर पड़ा। तुमने कलमा पढ़ के लुआब रसूल की इज्जत की? वही लुआब रसूल कुरान पढ़ पढ़ के तुम्हें कह रहा था मैं हक कह रही हूं। तुमने लुआब रसूल के असर को झुठला दिया। वही लुआब रसूल मेहराब में खड़ा अल्लाह की इबादत ही कर रहा था ना, नमाजियों ने नमाज को कत्ल कर दिया। लुआब रसूल के साथ उम्मत ने क्या किया? फिर हसन ने चूसा था ना लुआब, क्या किया तुमने हसन के साथ? वो भी तो वजूद लुआबे रसूल था ना, तुमने लुआबे रसूल की मिठास को जहर में बदल दिया। वो जो तुम्हें पानी मीठा करके पिलाता रहा, तुमने उसके लुआब में जहर मिला दिया। लुआबे रसूल जान क्या किया उम्मत ने लुआबे रसूल के साथ? फिर हुसैन तो चूसते रहे ना उम्मत के सामने, वो भी तो लुआबे रसूल था, बच्चे को यूं हाथ पे उठा के कह रहा था देखो मैं हुसैन हूं, मैं तुम्हारे नबी का लुआब चूस के जवान हुआ, ये मेरा बच्चा है इसे पानी पिला दो। क्या किया लुआबे रसूल?
आपने लुआबे रसूल को 14 जरबों से, 13 जरबों से, 12 जरबों से, 11 जरबों से ज़िबा किया। आपने लुआबे रसूल पर घोड़े दौड़ा दिए। आपने लुआबे रसूल का कलमा पढ़ के, यासीन पढ़ के, उंगली तोड़ के अंगूठी उतारी। लुआबे रसूल, लुआबे रसूल, अल्लाह, जैसे रसूल लब बंद करते थे, लुआबे रसूल पर्दे में चला जाता था, तुमने तो वो लुआबे रसूल के पर्दे भी छीन लिए। तुमने लुआबे रसूल के छुपने की जगह को आग लगा दी। तुम लुआबे रसूल के असर को दौड़ाते रहे। अरे तुमने लुआबे रसूल को कानों से जारी करा दिया। कहां कहां पढ़ूं लुआबे रसूल का दुख। वो आके दरबार में कह रही थी, हया कर तो लुआबे रसूल, चूसने वाले के दांतों पे छड़ी मार रहा है। छड़ी मारना, यकीन जाने क्या करूं, बंदा कहे तो क्या कहे, क्या कहे। सज्जाद की तरफ देख के आलिया बीबी ने कहा था, सज्जाद हर बात कबूल है, लेकिन मेरे भाई के मोती बिखरने नहीं चाहिए। इतना तो जुल्म लुआब पे हो रहा था ना। क्या किया लुआबे रसूल का। फिर सज्जाद आया, लुआबे रसूल गर्दनों से जारी हुआ, तौक खुल नहीं रहा था। तौक 10 दिन खोला जाता रहा। आपको पता है ना, मैं मसाइब में इंतहा की एहतियात करता हूं। खुदा की कसम, मैंने देखा मुसद्दिका, देखा कि रोज लाते थे कैद खाने से, रोज खोलने वाले नए माहिर आते थे। इतना बदन के साथ जज़्ब हो गया था तौक। खुलता नहीं था। और 10वें दिन जब तोड़ा गया तो जहां जहां नोकें थी खून के फुहारे, नहीं लुआबे रसूल उबल उबल के उम्मत के सामने गिर रहा था। फिर बाकेर के साथ क्या किया, लुआबे रसूल के साथ क्या किया, पहलू बदल बदल के। तुमने काजम के साथ क्या किया, ना कदम जमीन पर लगने देते थे, तुमने लुआबे रसूल को चरख में डाल दिया। तुम सारा दिन लुआबे रसूल को घुमाते थे, और तुमने रजा के साथ क्या किया, वो भी तो लुआबे रसूल था। तुमने जवादे तकी से क्या किया, तड़प तड़प के अकेला तन्हा। तुमने अली नकी के साथ क्या किया, लुआबे रसूल मुंह से बहता रहा है। तुमने क्या नहीं किया लुआबे रसूल के साथ। फिर तुमने अस्करी के साथ क्या किया, वो भी तो लुआबे रसूल था ना, खुद अपने घर में अपनी कब्र खोद रहा था। 5 साल का इमाम जमाना उस कब्र की मिट्टी पे हैरान होके अपने बाबा को देख रहा था, बाबा लहू क्यों जारी है, बेटा जहर दे दिया है, लुआबे रसूल की इज्जत की गई है, लुआबे रसूल मेरा, बाबा ये गढ़ा क्यों खोद, बेटा ये कब्र है तेरे बाबा की, बाबा मैं खोदूं, बेटा तू इतना छोटा है, तू कब्र कैसे खोदेगा। वलानतुल्लाह अला कौमिज़ ज़ालिमीन।
اے پروردگار عالم لواب رسول کے اثر کا صدقہ مرحومین کی اور جن کے لیے خاص طور پہ یہ ذکر کروایا گیا, مالک ان کے درجے رسول کے اور رسول کی بیٹی کے اور آئمہ معصومین کے سامنے بلند فرما, اس دعا میں ہم سب کو بھی شامل فرما. مالک ہمارے کبیرہ صغیرہ اگلے پچھلے گناہوں کو معاف, ہماری بچیوں اور بچوں پہ کرم کر میرے مالک. سخت احتیاج ہے آج کے پر آشوب زمانے میں, مالک مومنین کے معاشی حالات کو درست فرما. میرے پروردگار سرکار مہدی بادشاہ کا جلد ظہور فرما, میرے آقا کی آزاداری میں شمولیت کو یقینی بنا. میرے پروردگار ہماری آزاداری کی حفاظت فرما. مالک محمد وآل محمد کا صدقہ مومنین کو صحت و سلامتی عافیت اور زندگی عطا فرما. خالق دو جہاں ہماری وہ دعائیں جو ہم تیرے سوا کسی اور سے نہیں کہہ سکتے, انہیں صدقہ لواب رسول کا قبول فرما. اے میرے پروردگار ہمارے علم و معرفت میں اضافہ فرما, ہم پہ سختیاں اٹھا لے. اے کل شئن قدیر مالک کرم نوازی فرما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجم, ہم سب کی اور تمام مومنین مومنات